हेलो एवरीवन, कैनोलेशन करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखने होंगे। 3 पॉइंट्स यानी कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो हमेशा आपको याद रखनी है। सबसे पहला ये, हमेशा आपको ऐसे जगह पर कैनोलेशन करना है जहां पर जॉइंट नहीं हो जॉइंट्स, क्योंकि अगर पेशेंट का हाथ या पैर जॉइंट्स मोड़ेगा तो उस मरीज को प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। दूसरा, हमें स्ट्रेट वेन देखने हैं यानी सीधी वेन्स देखनी है। अगर सीधी वेन्स हमें मिलती है तो वहीं पर कैनुलेशन करना है। और तीसरी बात ये महत्वपूर्ण याद रखनी है कि हमें गलती नहीं करनी है। अगर कैनुलेशन हम कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी हमें सिंसियरिटी दिखानी है। तो चलिए हम सीखते हैं कैनुलेशन की प्रोसेस। यहाँ पर मैंने वेन्स को अच्छे तरीके से फील कर लिया है और मुझे वेन्स हल्के से दिख भी रही है। यहाँ पर स्ट्रेट वेन है और मैंने हल्का सा प्रिक किया। प्रिक करने के बाद में मैंने स्टाइलेट को पीछे खींचा और इसे इंसर्ट कर दिया। जो प्लास्टिक का कैथेटर है इसे हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि पीछे ब्लड आया या नहीं आया। ब्लड अगर आ गया है तो हमें पूरा अच्छे तरीके से इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टाइलेट को हमें पीछे खींचते जाना है। अगर हम स्टाइलेट को पीछे नहीं खींचेंगे तो वो आगे भी पंक्चर कर सकता है, वेन को भी डबल पंक्चर वो कर सकता है, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ब्लड देखने को मिल गया है और यहाँ पर हम कैप को अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। कैप बंद करने के बाद में हमने यहाँ पर इमिडिएटली टर्निकेट वेल्ट को हटा दिया है। टर्निकेट वेल्ट को अगर लंबे समय से कम लगा के रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम यहाँ पर टेपिंग करेंगे। जो भी पेशेंट्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ टेपिंग ही यूज किया जाता है। जहाँ भी जिस पेशेंट के साथ में जैसी सिचुएशन होती है वहाँ पर उस हिसाब से उसको टेप किया जाता है। यानी कि जो मार्केट में कैनुले फिक्स वगैरह आते हैं उनको भी कई जगह पर फिक्स किया जाता है। अब हमने इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। पेशेंट को कैनुलेशन लगाने के बाद यहाँ से कैनुला नहीं निकलेगा। अब हम इसे फ्लश करेंगे, यानी कि डिस्टिल वाटर से, स्टराइल वाटर से हमें इसे फ्लश करना है जिससे क्लॉट नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना है कैनुलेशन की प्रोसेसिंग के बारे में। 3 पॉइंट्स हमेशा आपको याद रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।